देखिए बहराइच मामले में एक नया वीडियो जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको हम बताते हैं सीतामढ़ी की कहानी। सीतामढ़ी में भी इसी तरीके का दंगा फैलाने का एक पूरा प्लानिंग था। धारदार हथियारों के साथ 6 युवक, इसमें निखिल मिश्रा और कई लोग शामिल थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जौनपुर का भी एक वायरल वीडियो आपको हम इस खबर में दिखाएंगे, जिसमें सीधे तरीके से दंगा भड़काने का प्रयास करते हुए कुछ हिंदू युवक जो है वो दिख रहे हैं। स्वागत है आप सभी का द लाइफ टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। सीतामढ़ी की हम चर्चा कर रहे हैं। सीतामढ़ी के बसबीटा गांव में 6 ऐसे युवक पकड़े गए हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो हिंदू समुदाय से आते हैं। और ये लोग पूरे प्लानिंग में थे कि दंगा वहां पर भड़का दिया जाए, और दंगा भड़काने के बाद उपद्रव कैसे मचता है ये बहराइच ने देखा है, हम देख रहे हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो युवक पुलिस के पीछे खड़े दिख रहे हैं ये वही लोग हैं जो दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे थे। प्रयास क्या, एक पूरा प्लानिंग था, आप यूँ समझिए इसको। पुलिस ने बजाबते औपचारिक बयान दिया है प्रेस नोट जारी करके। तो प्रेस नोट पहले आपको हम पढ़कर बता देते हैं ताकि मामला आपको समझ में आए कि सीतामढ़ी में कितना बड़ा दंगा फैल सकता था। देखिए पुलिस के द्वारा जो प्रेस नोट दिया गया है उसमें लिखा गया है कि दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को मेजरगंज थाना में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बसबीटा गांव पर झंडा जुलूस निकला हुआ था। झंडा जुलूस के दौरान बसबीटा गांव के 6 व्यक्तियों का एक समूह जुलूस के भीड़ में जुलूस के शर्तों का उल्लंघन करते हुए खतरनाक धारदार हथियारों से लैस होकर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नारे लगा रहे थे। तब बसबीटा गांव के मुस्लिम बिरादरी के लोगों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए उत्तेजक नारेबाजी करते हुए सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास कर रहे थे, तथा उक्त स्थान पर प्रतिनियुक्त महिला पुलिस पदाधिकारी वीना कुमारी के द्वारा मना करने पर उनके साथ गाली गलौज और हाथापाई भी की गई है। स्थानीय दुकानदारों में घुसकर उनके साथ तोड़फोड़ किया गया, मारपीट किया गया, लूटपाट किया गया है। उक्त सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामकृष्ण के आदेशानुसार दिनांक 13 अक्टूबर 2024 को शिवचंदर यादव थाना में प्रतिनियुक्त बल के साथ उज्जवल कुमार उर्फ टंटन, गोपाल मिश्रा वर्तमान बसबीटा थाना मेजरगंज जिला सीतामढ़ी नानी गांव के घर पर तलाशी की गई, मतलब छापेमारी किया गया, और उसके पहने हुए पैंट के बाएं कमर में एक 315 बोर के एक लोडेड देसी पिस्तौल, जिसके चैम्बर में 315 बोर का जिंदा कारतूस एवं पहने हुए पैंट के दाहिने पॉकेट में से एक सीज किया गया है। 315 बोर का जो पीतल का जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, जिसे विधिवत जब्त किया गया है। जिस संदर्भ में मेजरगंज थाना कांड संख्या 336/24 दिनांक 13/10/2024 को आर्म्स एक्ट के तहत मामला जो है वो दर्ज किया गया है। आप जरा साहब को हम अभियुक्तों के नाम भी बता देते हैं जो लोग गिरफ्तार किए गए। देखिए आदर्श कुमार मिश्रा, निखिल कुमार मिश्रा, उज्जवल मिश्रा, शिवम पासवान, शुभम पासवान, ये लोग जो है ये कट्टा लेकर उस भीड़ में शामिल थे और मुस्लिमों को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, जिससे हिंसा भड़कने का पूरा एक माहौल जो है वो तैयार हो गया था। तो पुलिस ने इन्हें धार दबोचा है। तो जिस तरीके का मामला बहराइच में था वैसा ही मामला यहां पर भी हो सकता था। अब आपको हम ले चलते हैं जौनपुर। देखिए सीतामढ़ी की घटना है, बेहद गंभीर घटना थी, हालांकि इसे टाल दिया गया, प्रशासन अलर्ट हुई। ये सीतामढ़ी वही है जहां का खबर मैंने आपको बताया था, जहां के एक स्थानीय विधायक मिथिलेश कुमार जो है वो दुर्गा पंडालों में तलवार बांटते हुए दिख रहे थे, बीजेपी के विधायक है। चलिए जौनपुर चलते हैं। अब देखिए जौनपुर में एक आपको पहले हम वीडियो दिखा देते हैं। तो ये वीडियो जो है वो एक काफिला जो है वो डीजे गाने के साथ जा रहा था, लगभग 1 किलोमीटर चला लेकिन कहीं नहीं रुका। लेकिन जैसे ही ये मदरसा पहुंचा है, करीब 6:30 बजे शाम का ये वीडियो है, और उसके बाद किस तरीके से वहां पर 20 से 25 मिनट तक वो काफिला रुक जाता है, और न सिर्फ रुकता है बल्कि पूरे आवाज में डीजे बजाया जाता है। मुस्लिम उस समय जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उस समय नमाज पढ़ते हैं, अजान होता है, और उसी समय ये काफिला वहां पर रुक जाता है। तो देखिए जौनपुर से भी ऐसी घटना सामने आई, हालांकि इस पर कोई बड़ा उपद्रव नहीं हुआ है, प्रतिरोध किया गया लेकिन कोई बड़ा उपद्रव का रूप नहीं लिया है। अब आपको हम बहराइच का एक वायरल वीडियो दिखा ही देते हैं जो काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। देखिए वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं लेकिन कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है वो बहराइच का ही है। तो आप देखिए विनोद कापरी ने इसे एक्स पर ट्वीट किया है, देखिए।
तो वीडियो में आप गाने, जो गाना बज रहा है उसके बोल सुन रहे होंगे। अब आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा विसर्जन होता है दुर्गा पूजा में, खासकर दशमी के बाद जो विसर्जन होता है उस दरमियान इस तरीके का गाना बजाना, और कहाँ बजाया जा रहा है? जो मुस्लिम मोहल्ला है, वो इलाका जहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, उनके मस्जिद के सामने आकर इस तरीके की भद्दी भद्दी गालियाँ देना और गाने का बोल में इसे बजाना कहाँ तक सही है, ये सोचने वाला विषय है। तो बहराइच का ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, और आप समझिए इस मामले को, जिस तरीके से बहराइच में आज दंगा फैला, एक युवक की मौत हो गई, उसे गोली लग गई, काफ़ी खेदजनक बात है, काफ़ी दुख देने वाला बात है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार 7 सालों से जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ये दावा करते रही है कि हमारे राज्य में दंगा नहीं होता है, उस पर ये बड़ा दाग लगा है। देखिए, माहौल अभी भी तनावपूर्ण है उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में। हालांकि कई सीटों पर, 11 सीटों पर वहाँ उपचुनाव होने जा रहा है, तो कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कह रहे हैं कि इसका फायदा बीजेपी को भी मिलेगा और समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा। लेकिन मसला वो नहीं है, मसला है कि बहराइच में आखिर ये हुआ क्यों, बहराइच में क्या सुनियोजित तरीके से ये काम किया गया? क्योंकि जो विसर्जन करने लोग जा रहे थे, जब वो मुस्लिम टोली से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर इस तरीके के गाने बजाने का, और फिर वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया जिसमें जो युवक है जिसे गोली लगती है, वो छत पर चढ़ता है टीम के सहारे और हरे झंडे को उतारकर वहाँ पर भगवा झंडा लहरा देता है। नीचे जो भीड़ खड़ी रहती है वो उसे प्रोत्साहित करते रहती है, वो युवक जोश में रहता है और अंतोगत्वा वहाँ पर एक बड़ा मुठभेड़ का रूप ले लेता है, जिसके बाद उस युवक की मौत हो जाती है, उसे गोली मार दी जाती है। 100 से अधिक लोगों पर अज्ञात FIR दर्ज किया गया है। तो पूरी तरीके से प्रशासनिक फेलियर रहा, पूरी तरीके से वहाँ का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। लेकिन मामला बिल्कुल क्लियर है, बहराइच में दंगा भड़का है, बहराइच की स्थिति अच्छी नहीं है और पूरे उत्तर प्रदेश में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।